क्यों परमेश्वर परीक्षा में से आपको होकर निकलने देगा? ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, शायद आपको आज समझ ना आए, कल आएगी, क्योंकि आज आपने सुनी होगी। आने वाले टाइम में, कुछ सालों में, महीनों में, आप जिस चीज का सबसे ज्यादा थैंक्स खुदावंद को करोगे, उसकी कंडीशन है अगर आप परमेश्वर में बने रहे, पवित्रताई सामर्थ्य में, प्रेयर में बने रहे, तो आप सबसे ज्यादा थैंक्स अपनी लाइफ में उन्हीं परीक्षाओं का करोगे जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा तंग हुए। शैतान आप पर जब अटैक करने की कोशिश करता है और वो अविश्वास के बीजों के साथ आता है, उसकी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, आपको वचन का भी मालूम होगा, आपको जीसस का भी मालूम होगा, पवित्र आत्मा भी आपने पाया होगा, फिर भी आप अविश्वास में जीवन बिता रहे होंगे उन क्वेश्चंस की वजह से। उस समय आपको कौन बचाएगा? उस समय वही परीक्षा का एक्सपीरियंस जो इम्पॉसिबल थी, पर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहे और सालों प्रभु का पीछा नहीं छोड़ा, वो एक्सपीरियंस जो आपका उस परीक्षा में हुआ और उसके बाद जैसे प्रभु ने आपको उस परीक्षाओं से बाहर निकालकर आपको जयवंत जीवन दिया, वो जो एक टेस्टिमनी आपके हार्ट में होगी वो आपको बचा के रखे, और वो वही परीक्षा होगी जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा तंग हुए थे, वो नॉर्मल परीक्षा नहीं होगी। नॉर्मल परीक्षा से आप शैतान के इतने बड़े अटैक को सरवाइव नहीं कर सकते। जब तक एक अनोखी और एक अचंभी और एक बड़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट काइंड ऑफ परीक्षा से आप नहीं निकलते। हालेलुया।